क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, प्लीज आप उसका जवाब दीजिए। जरूर देंगे। हाँ तो सर आप ये बताइए कि आपको सागर आर्ट्स में जो ये अकम्पन का रोल मिला जी, तो ये आपको कैसे मिला, ये आपकी क्या जर्नी रही थी सर, प्लीज इसका जवाब दीजिए हमें। हाँ ऐसा है सर, मैं बॉम्बे से 2-3 प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग किया था जी जी 1981-82-83 में जी, और फिर एक टीवी सीरियल चलती थी 85 के बाद जी जी, टीवी का युग आया जी जी, तो मेरी पॉपुलैरिटी की शौक शुरू से थी जी जी, कि कैसे मैं पॉपुलर हूँ लोग मुझे जाने जी जी, तो मैं मोटरसाइकिल में घूमता था तो लोग जानते थे, मेरा चलाने का स्टाइल अलग होता था जी जी, तो जब हम लोग धारावाहिक आई तो मैं देखा कि हर पान दुकान पे चौराहे पे लोग बात करते थे कि आज ये होगा, आज ये आएगा, आज वो आएगा, तो मेरे जहन में एक जागा कि मुझे भी टीवी सीरियल में काम करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा जानेंगे, और उसी भावना से मैं जुलाई 1987 में बंबई गया जी जी। उसके पहले मैं रांची दूरदर्शन के ऑडिशन पास आर्टिस्ट हूँ, उसके पहले मैं स्टेज कार्यक्रम करता रहा हूँ, स्टेज में कई एक नाटक कर चुका था जी जी, और जो भी नाटक मैं दूरदर्शन के लिए किया उसका एक कैसेट बनवाया था, और उसके बाद मैं बंबई गया 18 जुलाई 1987 को जी जी, तो मुझे हुआ कि मैं पहले गया मॉडलिंग फोटोग्राफर के पास, मॉडलिंग फोटोग्राफर बोला क्या आप मॉडलिंग कर रहे हैं, जाइए ना रामानंद सागर से मिलिए, बीआर चोपड़ा से मिलिए, कितना अच्छा चल रहा है धारावाहिक जी जी, और लोग कितना पॉपुलर हो रहे हैं, और आपके जैसे आर्टिस्ट की जरूरत भी है, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, और दूरदर्शन पे नाटक भी कर चुके हैं आप, तो मैं मेरा रहा कि सबसे पहले मैं वो जैसे बोले थे तो मैं सबसे पहले 15th रोड खार बी आर चोपड़ा के ऑफिस में गया जी जी, जैसे उनके ऑफिस में पहुंचा तो रवि चोपड़ा साहब मेरे को मिले, रवि चोपड़ा साहब से मैं, वो मेरे को बैठाए, चाय भी पिलाए, बोले आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी आदमी हैं, आपकी हिंदी अच्छी होगी, हम लोग महाभारत शुरू करेंगे दिसंबर महीने में जी जी, आप ऐसा कीजिए कि आप हमसे दिसंबर में मिलिए तो मैं आपको महाभारत में बहुत अच्छा रोल दूंगा, आपकी हाइट अच्छी है, आवाज अच्छी है। इसी बीच में मतलब मुझे क्या हुआ कि 4 अगस्त को, ये 2 अगस्त को बी आर चोपड़ा के ऑफिस में गया था, और 4 अगस्त को मुझे रामानंद सागर से मिलने का मौका मिला जी जी। वो एक स्टूडियो में मतलब गाने के, रावण के इंट्री का गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे जी जी। और उस समय रामायण का ऑलरेडी 24-25 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका था जी जी। हाँ। और किसी भी सीरियल या फिल्म में बीच में आर्टिस्ट का सिलेक्शन नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा के तौर पे काम करते हैं जी जी। तो उन्होंने, मुझे मालूम हुआ कि वहाँ रामानंद सागर साहब आए हुए हैं जी। और वहाँ फनी मजूमदार भी थे और रविंद्र जैन भी थे जी जी। मैं गया और मैं बोला कि मुझे रामानंद सागर साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको मिलने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा जी, आपके पास समय है क्या? मैंने कहा कि मेरे पास समय ही समय है, तो मैं बाहर में एक बेंच था, बेंच पर मैं बैठ गया जी जी। करीब 45 मिनट के बाद मेरे को बोला गया कि चाहिए आप रामानंद सागर साहब से मिल सकते हैं। हाँ जी। तो मैं रामानंद सागर साहब के पास सामने खड़ा हुआ, मेरा तो वो दिन धन्य का दिन था कि सागर साहब को, जिनको मैं टीवी में देखता था, फिल्मों में देखता था डायरेक्शन के तौर पे, उनके सामने खड़ा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं बिहार का रहने वाला बिहारी आदमी हूँ जी जी। उस समय तो झारखंड बना नहीं था ना, बिहार ही था जी जी, बिहारी आदमी हूँ, हर कोई कहता है क्या तुम्हारी आवाज है, क्या हाइट है, लेकिन बंबई में मेरे को लगता है बिना मालिश के, बिना जान पहचान के तो कोई काम देगा नहीं, ऐसे मैं दूरदर्शन पे भी काम किया हूँ, उसका ये मैं नाटक लाया हूँ, ये मेरी मॉडलिंग है पहली, ये मॉडलिंग का फोटो है मेरा, क्या मालूम उनको भगवान क्या कॉल दिया, और वो मुस्कुराए और बोले कि तुम नटराज स्टूडियो कल आ जाओ जी जी। मैं नटराज स्टूडियो दूसरे दिन गया तो मुझे मिलना तो उनसे हुआ नहीं जी, क्योंकि स्टूडियो के अंदर काफी भीड़ होती थी, और मैंने सोचते थे कि ऐसे ही कोई लड़का है, तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर से मिला जी जी, तो प्रोडक्शन मैनेजर भी मेरे को घास नहीं डाला, अचानक जी जी।
एक वीक के बाद देखा, मैं रोज जाता था नटराज स्टूडियो, एक वीक के बाद देखा कि फनी मजुमदार साहब निकले। फनी मजुमदार साहब को मैं पैर छू के प्रणाम किया, तो उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और बोला कि अरे इस लड़के को तुमने उमरगांव भेजा नहीं, इसका ऑडिशन होना है, इसका टेस्ट होना है। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग को तो रावण दरबार के लिए पहलवान पहलवान चाहिए, ये लड़का तो पतला दुबला है। तो मैं सोचा कि इसका क्या काम, बोला नहीं नहीं इसको रामानंद सागर साहब ने सेलेक्ट किया है और इसका ऑडिशन होना है, स्क्रीन टेस्ट होना है, इसको भेजो उमरगांव। तो दूसरे दिन मेरा टिकट कटा और मैं उमरगांव गया। उमरगांव जाने के बाद मेरे को सबसे पहले विजय अरोड़ा मेघनाथ जी से मुलाकात हुई। अच्छा, और उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यार फिल्म इंडस्ट्री में 99% लोग बिना कैरेक्टर बिना डायलॉग के जिंदगी शुरू किए हैं, तुम ऐसे हो कि रामायण में तुम्हारा कैरेक्टर भी है और डायलॉग भी है। मैंने सोचा कि इसके कहने से क्या होगा, जब ये बात रामानंद सागर साहब बोलेंगे तब होगा। मैंने उसको घास में नहीं डाला, हालांकि मैं उसका फैन था विजय अरोड़ा जी का, उनकी कई एक फिल्में मैंने देखी थी। जी। दूसरे दिन मेरे को रामानंद सागर साहब बुलाए और बोले कि तुम डायलॉग बोल सकता है क्या? तो मैंने कहा मैं डायलॉग बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 लाइन का एक डायलॉग दिया और मैंने उनके सामने डायलॉग को डिलीवरी अपने अंदाज में किया। रामानंद सागर बहुत खुश हुए और दूसरे दिन मेरे को बोले कि ठीक है तुम जाओ। दूसरे दिन मेरे को 5 पेज का डायलॉग मिला, 8 पेज का डायलॉग मिला। पहला डायलॉग ही 16 लाइन का था। मेरे को बोला गया कि आप इसको याद कर लो। और 3 दिन के बाद मेरे को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया ड्रेस व्रेस पहनाकर, और उसके बाद डिलीवरी शुरू हुई। रामानंद सागर साहब मेरे पहले जो डायलॉग हैं, रावण मेरे से पूछता है कि सेनापति का, मैं बहुत विश्वासी सेनापति हूँ, सेनापति अकंपन बताओ वो कौन दो मानव है जिसने मेरी बहन का नाक काटा है, मैं जाऊंगा और दोनों मानवों को मार दूंगा। जी जी। मैं बोलता हूँ महाबली लंकेश वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण वो बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि समस्त ऋषियों और मुनियों के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्य अस्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है, उन्हें माया की विद्या भी आती है लंकेश, इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक आपस में राम समझ कर ही लड़ लड़ कर मर गए। ये बात है, मैं जाऊंगा और दोनों को मार दूंगा। वाह ग्रेट सर जी, आज 32 साल बाद भी आपकी वही आवाज, वही दमदार बुलंद आवाज, वाह वाह सर जी वाह। तब वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और दोनों मानवों को मार दूंगा। मैं कहता हूँ महाबली लंकेश, लंकापति रावण ने 2 साधारण मानवों को मार भी दिया तो लंकेश की कृति को धब्बा लग जाएगा। अब मेरी बात माने महामना, तो राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, आप राम की पत्नी को हर ले तो राम लाज से मरेगा, संताप से मरेगा, भय से मरेगा। मेघनाथ बोलता है पिताश्री सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है। सभी दरबारी बोलते हैं कि महाबली लंकेश सेनापति अकंपन की विचार सुझाव विचार करने के योग्य है। विभीषण मेरा विरोध करता है और विभीषण से मैं फिर मेरी डायलॉग डिलीवरी होती है और अंत में रावण बोलता है कि नहीं अब मैं उनको मारूंगा नहीं, मैं उनको छल से सीता का हरण करूंगा। मेरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुआ करते थे, उनके सामने मैं 2014 में न्यूज 11 के लिए काफी काम किया था, तो मुझे सम्मानित किया जा रहा था एक हॉल में, तो मुझे डीजीपी रथ साहब मेरे फैन थे, तो उन्होंने कहा कि सेनापति जी मुख्यमंत्री जी को एक डायलॉग सुना दीजिए ना। जब मैं पहला डायलॉग मुख्यमंत्री जी को सुनाया तो मुख्यमंत्री खड़े होकर आए और मेरे कंधे पर हाथ धर के बोले कि आज मैं पहली बार जान रहा हूँ कि झारखंड के लाल के चलते सीता हरण हुआ। वाह वाह ग्रेट सर जी, वाह मजा आ गया। जी जी। और सर जी आप ये बताइए कि आपका रामानंद सागर साहब जी के साथ कैसा कनेक्शन रहा? खूब अच्छा, मतलब मैं क्या कहूँ, एकदम बेटे बेटे और सेनापति अकंपन बुलाते थे और इतना प्यार देते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सभी लोग सोचते थे कि नया लड़का आया है और इसको कैरेक्टर भी मिल गया, डायलॉग भी मिल गया और ये इतना अच्छा काम कर रहा है। तो रामानंद सागर बहुत बहुत ही, मैं उनके 2 बार बर्थडे में उनके घर पे भी गया तो मुझे काफी इज्जत मिली थी। और सर ये बताइए कि आपका जो मेमोरेबल रोल है तो क्या ये अकंपन ही है जो आज आप इसे याद करते हो? अकंपन है। जी जी वाह सर जी।
और सर जी आपसे ये जानकर बहुत खुशी हुई, और हमें जब समय मिलेगा तो हम आपसे लाइव मिलेंगे सर जी। वाओ मजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा इसी तरह से एक जेंटलमैन है गुजरात के, वो भी इसी तरह से लिए थे, उन्होंने भी काफी प्रेज किया कि आपसे बात करके क्या लाजवाब लगा। अभी एक महीने बात कहूँ, मजा आ गया आपसे बात करके कि आपका क्या रोल अच्छा लगा। और सर एक बात है कि जो रावण की जो सभा थी उसमें एक ही ऐसा था कि एक ही रोल अकम्पन का, जो इतना दिग्गज और धांसू रोल था जो आपने प्ले किया। वाह सर जी, वो अभी एक जेंटलमैन ने लिखा कि रावण का कंपन ऐसा है जो 33 साल के बाद हम लोग जान रहे हैं कि जिसके कहने से ही सीता हरण होता है, इतना मेजर रोल है इनका। जी जी जी, रावण बार बार उसको मारना चाहता है राम को, और कंपन की बात मानकर, बहुत विश्वासी सेनापति हूँ मैं उसका, तो बात मानकर वो सीता हरण करते हैं। और सर जी अगर आपको यह अकम्पन का रोल मिला, क्या आपको आज भी 32 साल बाद कोई अफसोस होता हो कि मुझे अकम्पन के अलावा और कोई रोल मिल जाता रामायण में? नहीं नहीं नहीं, अकम्पन मिल के मैं अपनी बिल्डिंग जो बनाया हूँ इसका भी नाम मुरारी अकम्पन है। मेरे छोटे बेटे का नाम भी मैं अकम्पन रखा हूँ। अकम्पन को मैं इसके साथ साथ मैं 2-3 फिल्म किया हूँ, जी जी 3-4 सीरियल किया हूँ, लेकिन अकम्पन और रामायण से बढ़ के कोई नहीं बन पाया मेरे लिए। जी जी जी, वाओ सर जी, वाओ वाओ, वेरी नाइस। तो सर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला रामायण के अकम्पन से, जिन्हें हम बचपन से देखते थे और उन्हें वो अकम्पन ही समझते थे, कभी ये नहीं लगा कि ये मुरारी जी सर जी होंगे कि इन्होंने रोल किया है। ये तो ओरिजिनल अकम्पन है त्रेता युग के। रामायण चली ना लॉकडाउन में, मेरे को इतना प्रेज आया सब जगह से, मैं बता नहीं सकता हूँ, बम्बई से, दिल्ली से। ये 33 साल में तो बहुत लोगों ने मेरा नंबर भी लिया था, सेल्फी भी लिया था, फोटो भी खिंचवाए थे, तो इतने लोगों का आया कि अभी लोग बैठ के आराम से जो देखे तो सबको मेरे करेक्टर और मेरे रोल को बहुत पसंद किए लोगों ने। जी जी सर जी जी, आपका रोल था ही ऐसा कंपन। जी जी सर, धन्यवाद। आज के कॉल को यहीं विराम दिया जाता है। ठीक है ठीक है, मैं बात करूंगा बाद में। ओके ओके सर, प्रणाम प्रणाम। ओके।